मात्र या शेड्यूलला सुरुवात होईला विलासवर्ष राहणार विपक्ष जोगेश्वरी जुनालको या सामन्याने. तर आमचे दोन्ही पंच पूर्णपणे सज्ज झालेले आहेत. फरहान पटेल प्ले स्टँडमध्ये आपण विलास स्पोर्ट्स राहणार संघाच्या खेळाडूंना पाहू शकता. अगदी लॉर्ड्स गॅलरीची आठवण ताजी करताना हे प्ले स्टँड आपल्याला पाहायला मिळते. तर टाळ्यांच्या गजरात सालवी जोडी मैदानाकडे आगेकूच करताना चार षटकांचा सामना आहे. पहिलं षटक हे मेंटेनरी पावरचं असणार आहे, ज्यामध्ये दोन शतरक्षक आपल्याला आउटफील्डमध्ये शतरक्षण करताना पाहायला मिळतील. दोन्ही संघाने या स्पर्धेमध्ये चांगलं प्रदर्शन केलेलं आहे, मात्र या दोन्ही संघाच्या दृष्टीने हा एक अतिशय महत्त्वाचा सामना आहे. कारण नॉकआउट स्पर्धा आहे, जो संघ हारेल तो संघ नक्कीच या स्पर्धेमधून बाहेर फेकला जाईल. तर जो संघ जिंकेल त्या संघाचं आव्हान या बॉली ट्रॉफी 2021 जिवंत राहणार आहे. टेनिस क्रिकेट विश्व न भूतो न भविष्य असा शो या क्रिकेट स्पर्धेची वाट नक्कीच मित्रांनो केवळ भिवंडीकर पाहत नाहीत, तर तमाम न देशातील कानाकोपऱ्यातील टेनिस क्रिकेटर आणि क्रीडाप्रेमी पाहत असतात. अशी भव्य स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. टेनिस क्रिकेटमधील सुपर शो उपर शो आय दिन बहार के बाली ट्रॉफी 2021 मध्ये सकाळी 17 सर्व क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. प्रेक्षकांविहित ही स्पर्धा पाहत होई, कारण कोरोनाचं संकट अजूनही टळलेलं नाही आणि ते लक्षात घेता सरकारच्या आदेशानुसार त्यांचे नियमांचं पालन करून ही स्पर्धा खेळली जात आहे. तर मयूर मात्र येतो आहे गोलंदाजी मार करा संघ नाईक सामना करेल फलंदाज भावेद चौधरी. नाशिकला आपण पाहतोय करण कांबळे, माझ्यासमवेत जॉईंट होत आहेत माझे सहकारी समालोचक मजर खान. पहिला चेंडू चेंडूला पॉइंट रिझनमध्ये टोलवलेला आहे. जोरदार अपील धावबादचा अपील तिथं केलं गेलं होतं, मात्र आपल्या क्रीजमध्ये सुखरूप पोचलेला आहे फलंदाज करण कांबळे. तर एक रिस्की धाव पूर्ण करतो आहे फलंदाज भावेश आणि एका धावीने अकाउंट ओपन होतोय विलास स्पोर्ट्स राहणार आहे संघाचं. खूप खूप धन्यवाद सुभाष धुमाल सर. तो आज के दिन का ये पहला मुकाबला विलास स्पोर्ट्स राहणार और जोगेश्वरी जू नांदुर्गी के बीच में, जहाँ पर टॉस को जीता और पहले फील्डिंग करती हुई जोगेश्वरी जू नांदुर्गी पहली गेंद के ऊपर वहाँ पर हल्के हाथों से टैप कर कर एक रन निकाला था भावेश चौधरी ने. इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज करण करण कांबळे सामना करेल गोलंदाजाचा. येलो मात्र अप्रतिम, हो 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 हो, सुरेख जेल, व्हाट अ कॅच, व्हाट अ कॅच, कॅच ऑफ द मॅच, कॅच ऑफ द डे, कॅच ऑफ द टूर्नामेंट. बिल्कुल कमाल का कैच वहां पर करण कांबळे शॉर्ट कवर पे पकड़ा है तुषार ने. ये अपन पाहू शकता रिप्ले मध्ये कशा प्रकारे शॉर्ट वाइड आणि पनिश करण्याचा प्रयत्न जर फलंदाजाने केला होता, मात्र कौतुक करावं लागेल पूर्णपणे स्वतःला झोकून दिलं होतं. तुषार भोईर चेंडूला बाहेर जाऊ दिलं नाही आणि तुषार जो संघाचा सर्वात हुशार क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या माध्यमातून हा अप्रतिम झेल आपल्याला पाहायला मिळतोय. कमाल का कैच वहां पर पकड़ा है तुषार ने. तो पहला विकेट गिरता हुआ विलास स्पोर्ट्स रहनाल का करण के रूप में. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आपल्याला तुषार भोईरकडून पाहायला मिळालं होतं. कवरेजनकडे स्वतःला पूर्णपणे झोकून दिलं होतं. आणि पहिला झेल आपण पाहतोय अप्रतिम. यावेळी चेंडूला भिरकवून दिलेला आहे स्टँड अँड डिलिव्हर हाय एंड हँडसम, व्हाट अ शॉट, क्या स्ट्रोक लगाया इस बार वहां भावेश चौधरी ने. हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला था स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. नक्की जर रिप्ले मध्ये पाहू शकता आपण हाफ वॉलीवर घेऊन चेंडूला लॉब केलेला होता, लॉफ्टेड फटका आणि चेंडू जेव्हा बॅटला लागला होता त्याच्यावर शिक्कामोर्तब झालं होतं 6 धावांचं. चांगला फॉलो थ्रो भावेश चौधरी जो बाली ट्रॉफी मधील प्लेअर ऑफ द डे पहिल्याच दिवशी ठरला होता. जी बिल्कुल पहले दिन के प्लेयर ऑफ द डे थे, लेकिन यहाँ पर आज के दिन अच्छी बल्लेबाजी करे, क्या बेहतरीन शॉट लगाया वहाँ पर भावेश ने. यावेळी बॅटची एज, हो हो, दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये
झेल पकड़ला जातो एंड भावेश चौधरी ये जिंकली संपुष्टात एक तुम्हारे एक हमारे दोन चिन्ह रन पाया मिलते ओवर चल रहा है ये मयूर मात्रे का जा एक हमारी एक तुम्हारी ये देखिए किस तरह से वहाँ पर विकेट कीपर ने बेहतरीन क्या समाप्त किया और भावेश चौधरी को वापसी कराई कमाल चलता हुआ इस वक्त मयूर मात्रे का अगदी बरोबर प्रफुल्ल याचं प्रफुल्लित करणारं क्षेत्ररक्षण इष्टनच्या मागे आपल्याला पाहायला मिळते इष्टरक्षण चांगला झेल दुसऱ्या ॲटममध्ये पकडलेला आणि दुसरा फलंदाज बाद झालेला आहे एक नाट्यमय षटक आपल्याला पाहायला मिळतंय कारण या षटकामध्ये धावाही येत आहेत आणि विकेटही जात आहेत जी बिल्कुल जहाँ पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सिक्सर लगाया था भावेश चौधरी ने लेकिन उसके बाद हमने देखा कि विकेट कीपर का बेहतरीन काम होता हुआ तो अब तक दो विकेट गिर चुकी है विलास स्पोर्ट्स रहनाल के 7 रनों पर मयूर मात्रे यांनी आपल्या पहिल्या सामन्यामध्ये चांगलं प्रदर्शन केलं होतं चांगली गोलंदाजी केली होती आणि मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता आणि या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी करताना जोगेश्वर जुनवणकर संघाने पी टी सी क्रिकेटमधील एक बलाढ्य संघ विके स्पोर्ट्स कुक्ष संघाला पहिल्या सामन्यामध्ये 15 मार्चला पराभूत केलं होतं जी बिलकुल विकी स्पोर्ट्स कुक्से को उन्होंने हार्स भी बढ़ गया होंगे क्योंकि विकी स्पोर्ट्स कुक से पीटीसी की एक बहुत बड़ी टीम है लेकिन एक बार फिर से उनका जो ये मुकाबला है ये भी बड़ा मुकाबला जहां पर बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जोगेश्वरी जू नांदुर्गी पहले ओवर में नरुल फलंदाज अक्षय चौधरी आलेला आहे यावर केवल चंडूला दिशा दिलेली आहे स्क्वेअर ऑफ द विकेट एक धाव पूर्ण करतोय अक्षय चौधरी ऑफ द मार्क आणि एका धावीने संघाची धाव संख्या वाढते इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर अक्षय ने एक रन की मदद से अपना खाता खोलते हुए टीम का स्कोर पहुँचा दिया है 7 रनों पर 2 विकेटें गंवाने के बाद 8 रनों पर 2 विकेटें गंवाने के बाद अतिशय उत्कृष्ट जेल कवर रिजन मध्ये पकड़ला होता स्वतःला झोकून दिला होता जी बिल्कुल पिछले ओवर में हमने 2 बेहतरीन कैच देखे जब पहले शॉर्ट कवर पर तुषार ने वो कैच पकड़ा उसके बाद विकेट कीपर ने वो बेहतरीन कैच पकड़ा था 2 विकेट गंवाने के बाद 1 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं सिर्फ 9 अभी भी हम देखें तो दिवेश और अक्षय भावेश पाटिल को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए गोलंदाज भावेश पाटिल जो हजी समझ स्ट्रेट स्टैंड अर्थात पार इंड कडून दूरवरच्या टोकावरून गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होणार आहेत तर पावलटच्या षटकाच्या समाप्तीनंतर विखुरलेले क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते मात्र 2 क्षेत्ररक्षक अजूनही आपण पाहतोय थर्ड्या सल्कामध्ये त्यामध्ये थर्ड मॅन आणि फाईनल लेग आपण पाहत आहोत त्यानंतर इतर क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये तैनात केलेले आहेत भावेश पाटील यावेळी मात्र स्विंग अँड मिस बिल्कुल ऑन साइड में खेल मधील सामना आपण पाहतोय विलासपूर्स रानाला विरुद्ध जोगेश्वरी जुनानखे या 2 संघांमध्ये यानंतरचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल जांतराजा खारबा विरुद्ध वकी स्पोर्ट्स मापोली दोन्ही संघाचे संघनायक आपण रिपोर्ट करायचं आहे आणि नाणेफेकासाठी सज्ज राहायचं आहे जी बिल्कुल इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला हम देखेंगे वकी स्पोर्ट्स मापोली और जांतराजा खारबा के बीच में आपल्याला 4 षटकांसाठी 20 मिनिटांचा वेळ दिला गेलेला आहे वेळेचं भान राखायचं आहे जास्त वेळ खर्च करायचा नाही भावेश पाटील दुरेंकडून वलताना सामना करेल फलंदाज अक्षय चौधरी यावेळी केवल चेंडूला दिशा दिलेली आहे लेटकरचा फटका मिनिमम एफर्ट अँड मॅक्झिमम रिझल्ट शक्तीपेक्षा इथे युक्तीचा वापर केला होता फलंदाज अक्षय चौधरी याने जी बिलकुल वहां पर ताकत कम और नजाकत ज्यादा देखने को मिली है बिल्कुल बहुत बढ़िया शॉट वहां पर दिमाग की बत्ती जलाकर इस वक्त बल्लेबाजी करे बल्लेबाज 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर इस 4 रन की मदद से स्कोर 14 पर जा पहुंचे अक्षय चौधरी बहुत बढ़िया शॉट लगाया था पिछली गेंद के ऊपर लेट कट के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया था क्योंकि वो जानते थे जो डीप पॉइंट का खिलाड़ी है वो काफ़ी दूर है अगदी बरोबर चेंडूचा फेजचा वापर केला होता जणू काही अक्षय चौधरी हा मेंटोस खाऊनच आलेला आहे ज्याप्रमाणे त्यांनी मागील फटका खेळला होता पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे फटका खेळण्याचा प्रयत्न स्क्वेअर ऑफ द विकेट यावेळी केवळ चेंडूला ढकलून दिलेला आहे पॉइंट रिझनमध्ये आणि अतिशय वेगाने दुसरी धाव पूर्ण करतात हे माहीत आहे अक्षयला की 2 महत्त्वाचे विकेट बाद झालेलं आहे आणि नक्कीच आपण पाहतोय आणि तेच लक्षात घेता छोट्या बॅकलिपचा वापर करतोय जी बिलकुल अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है अक्षय चौधरी द्वारा और कल के दिन के मैन ऑफ द मैच
रहे थे अक्षय चौधरी है, और एक बार फिर से बेहतरीन पारी खेलते हुए अपनी टीम को एक अच्छे टोटल पर ले जाने की कोशिश कर रहे। कल के दिन सिक्सर की हैट्रिक भी उन्होंने लगाई थी। यावेळी चेंडूला कव्हर रिजन मध्ये खेळून काढलेला आहे। क्षेत्ररक्षक चेंडू झेपावतोय। तुषार भोईर धावपाची संधी होती, मात्र संधीचं सोनं करता आलं नाही आणि तोपर्यंत फलंदाज एक धाव पूर्ण करतोय। एका धावेने धावसंख्या वाढते आणि धावसंख्या एक ने ओढणलेली ती धावपळीवर 17 धावा। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं देवेश नाइक बज गए, किस्मत वाले रहे देवेश नाइक। यानंतर सामना आपण पाहणार आहोत जांतराचा खारबाव विरुद्ध वक्की स्पोर्ट्स मापूल। या दोन संघामध्ये दोन्ही संघाच्या संघनायकाने टॉस बॉक्समध्ये टॉससाठी रेडी राहायचं आहे, कारण या इनिंगच्या समाप्तीनंतर लगेच नाणेफेक केली जाईल। यावेळी पंचांचा नो बॉलचा इशारा होतोय। चेंज ऑफ फेस करण्याचा प्रयत्न, हलोवर चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र दिशेवर नियंत्रण नाही आणि पुढील चेंडू अर्थातच उघडा डोळे पाहा नीट, कारण पुढचा चेंडू असणार आहे फ्रीट। पाहूया फ्रीटची संधी आहे फलंदाजाकडे। येलो चेंडू हवेमध्ये, मात्र कुठल्याही प्रकारचं नुकसान होणार नाही। एक धाव पूर्ण केली जाते आणि एका धावीने संघाची धावसंख्या वाढते। तर अशा प्रकारे दोन षटकाची समाप्ती झालेली आहे आणि दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर विलास स्पोर्ट्स राहणार संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती धावपळीवर 2-19 धाव। बाद होणारे फलंदाज आपण पाहतोय भावेद चौधरी आणि करण कांबळे। भावेद चौधरी यांनी 7 धावांचं योगदान दिलं होतं, तर करण कांबळे याला भोपळाही फोडता आला नव्हता। सध्या खेळपट्टीवर देवेश नाईक आणि अक्षय चौधरी हे दोन फलंदाज फलंदाजी करताना दिसत आहेत। यानंतर सामना आपण ग्रामीण पूलमधील पाहणार आहोत जांतराचा खारबाव विरुद्ध वक्की स्पोर्ट्स मापुली। हे दोन संघ एकमेकांसमोर लढताना आपल्याला पाहायला मिळतील। तो इसके बाद जो होने वाला मुकाबला जांता राजा खारबाव और वकी स्पोर्ट्स मापुली के बीच में रहेगा, एक और बड़ा मुकाबला जहाँ पर जांता राजा खारबाव में हम सागर खारबारी को देखेंगे, तो दूसरी तरफ अरबाज पटेल को देखेंगे, आसिफ शेख को देखेंगे, सरफराज भुरे को देखेंगे। प्लेयर ऑफ द डे रहे थे सागर खारबारी दूसरे दिन के, लेकिन हमने देखा कि भावेश चौधरी जो पहले दिन के प्लेयर ऑफ द डे रहे थे एक सिक्सर लगाने के बाद वो भी आउट हो गए। तीसरे ओवर के लिए अब बुलाया गया है कल्पेश को। पहली गेंद वहां पर कल्पेश की ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही थी, ये गेंद वाइट का इशारा आता हुआ। अल्पेश इस बार अल्पेश की ये गेंद देखना, डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश, दूर से खिलाड़ी आते हुए लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए, अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 24 रनों पर। अपन रिप्ले मध्ये पाहू शकतो लॉर्ड फुटर चेंडू होता आणि चेंडूला समोर खेळला होता अगदी डाउन द ग्राउंड 4 धावांसाठी चौकार, अच्छा स्ट्रोक वहां पर देवेश नाइक के बल्ले से आता हुआ। लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए खिलाड़ी समीरन के पास कोई मौका नहीं था, और पिछले मैच में क्या बल्लेबाजी की थी समीरन ने, जहां 6 गेंदों में 12 रन चाहिए थे और 2 गेंदों में वो 12 रन बनाए थे। उसी बीच वहां पर देखना है स्लाइस करने की कोशिश की थी इस बार देवेश ने, अच्छी वापसी यहां पर कहना होगी इस बार रही अल्पेश की। डॉट गेंद होती भी इस बार, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 24 रन 2 विकेट गंवाने के बाद। वेलकम रवेश गौण, वेलकम उमेश तरे, सचिन मात्रे पिंटे, आपले हार्दिक स्वागत है। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर डीप पॉइंट की दिशा में खेल दिया, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटना चाहते थे वहां पर, अपने कदमों को वापस किया देवेश नाइक ने। एक से ही सहमत रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को, एक रन की मदद से स्कोर 25 पर पहुंचता हुआ। वकी स्पोर्ट्स मापुली के कैप्टन और जांता राजा खारबाव के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है।
अल्पेश, इस बार सामना करेंगे अक्षय। इस बार देखना है, पुल जरूर किया है इस गेंद को, अच्छी फील्डिंग वहां पर रही मिड विकेट पे, लेकिन उसी बीच दो रन पूरे कर लिए है दोनों बल्लेबाजों ने। इस दो रन की मदद से स्कोर 27 पर जा पहुंचा है। आज के दिन का ये पहला मुकाबला हम देख रहे हैं विलास स्पोर्ट्स रानल और जोगेश्वरी जू नांदुर्गी के बीच में, जहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई जोगेश्वरी जू नांदुर्गी। उसी बीच वहां पर अक्षय के बल्ले से देखना इस बार, हो दम दमाता हुआ सिक्सर गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक लगाया वहां पर अक्षय ने, पुल पर लेकर इस गेंद को खेला था, कॉ कॉर्नर की दिशा में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर 33 पर जा पहुंचा है। अगदी बरोबर आहे, तसे अक्षय चौधरी याला रानाल संघाचा सिक्सर किंग म्हणून ओळखलं जातं, हिटमॅन, आणि हिटमॅनच्या बॅटमधून हा हिट सिक्सर आपल्याला पाहायला मिळतोय। बहुत बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं अक्षय चौधरी, जहाँ पिछले मैच में बल्लेबाजी अच्छी की थी, इस मैच में भी। उसी बीच एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक आता हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल देखने को मिला, लेकिन इस बार एक ही रन आएगा। अच्छी वापसी वहाँ पर रही इस बार अल्पेश की। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो 34 रन बने हैं, जहाँ पहले ओवर में मयूर ने 9 रन खर्च किए थे, 2 विकेटें हासिल की। उसके बाद भावेश ने 10 रन खर्च किए, कोई विकेट नहीं उनको हासिल हुआ, लेकिन गेंदबाजी अच्छी रही थी भावेश के। उसके बाद हमने देखा कि अल्पेश थोड़े से महंगे साबित हुए, 15 रन आ गए। बल्लेबाजी की बात करें तो दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी करें, अक्षय चौधरी 17 रन बनाकर खेल रहे, तो देवेश नाइक 8 रन बनाकर खेल रहे। एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच में, जहाँ पहले ओवर में 2 विकेटें गिर चुकी थी भावेश और करण सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और कोशिश कर रहे अपनी टीम को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाने की, और जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। जहां हमने देखा पिछले ओवर में क्या गजब का सिक्सर लगाया था अक्षय चौधरी ने, अब देखना ये होगा कि जोगेश्वरी जू नांदुर्गी की तरफ से स्लॉग ओवर में कौन सा गेंदबाज आता है। जोगेश्वरी जू नांदुर्गी यही चाहेंगे कि जो भी गेंदबाज आए वो कम से कम रन दे, लेकिन अगर हम विलास स्पोर्ट रानाल की बात करें तो दोनों ही बल्लेबाज ये चाहेंगे इस ओवर में स्लॉग ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे। अगदी बरोबर, एक चांगली भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळते, कारण भावित चौधरी आणि करण कांबळे हे खूप लवकर बाद झाले होते, आणि त्यानंतर भागीदारीची खरे तर आवश्यकता होती विलास स्पोर्ट्स रानाल संघाला, आणि ती आवश्यकता लक्षात घेता अक्षय चौधरी आणि देवेश नाईक यांच्याकडे यांच्या माध्यमातून एक चांगली भागीदारी आपण पाहतोय। देखिए अगर हम पिछले मैच की बात करें जू नांदुर्गी की, तो मयूर मात्रे ने पहले ओवर में 2 विकेट निकाली, उसके बाद कोई विकेट नहीं गिरा था उनका। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं इस मुकाबले में कि पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेट निकाली थी भावेश और करण को वापसी की, लेकिन उसके बाद जो 2 गेंदबाजों ने अब तक गेंदबाजी की भावेश और अल्पेश, अब तक विकेट लेने में कामयाबी नहीं मिली। अब ये देखना होगा कि लास्ट ओवर में कुमार को बुलाया गया है, अब कुमार यहाँ पर कम रन देते और ज़्यादा विकेटें लेते हैं या नहीं ये देखना होगा, या फिर देवेश और अक्षय टूट पड़ते हैं, ये भी देखने वाली बात रहेंगी। अगले मुकाबले के टॉस के लिए आना है वकी स्पोर्ट्स महापुले के कैप्टन आ चुके हैं उसी बीच वहां पर लोअर फुल टॉस गेंद, इस बार देखना इस गेंद को खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और पारी समाप्त होती हुई अक्षय चौधरी की पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट हासिल करते हुए। फुल टॉस चेंड होता, लॉफ करने का प्रयत्न मात्र सीमारेषा क्लिअर करू शकला नाही, आणि लॉन्ग अँड रिझनमध्ये उभे असलेल्या क्षेत्ररक्षकाने कुठलीच चूक केली नाही, अगदी सहज सोपा झेल तिथे पकडलेला आहे। आणि अक्षय चौधरी, खरं तर अक्षय चौधरी याला या शेवटच्या षटकामध्ये खेळपट्टीवर टिकून राहणं खूप महत्त्वाचं होतं, मात्र तो टिकून राहू शकला नाही, आणि अक्षय चौधरी हा निराश मनाने प्लेयर्स फील्डकडे परततना। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर लास्ट ओवर की पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट हासिल करते हुए गेंदबाज कुमार। दोनों टीम के कैप्टन आ चुके हैं, वकी स्पोर्ट्स मापुले के कैप्टन रवि शेख, तो दूसरी तरफ जनता राजा खारवा के उमेश तरे। अगले बल्लेबाज नितिन आए हैं। नितिन की हम बात करें तो सिटी क्रिकेट में उन्होंने काफी वक्त तक खेला है, फारूक बड्डी सर की टीम में, एमसीसी में, और कमाल के ऑलराउंडर रहा करते थे। उसी बीच आते ही साथ बड़े हिट की तरफ गए वहां पर,
वाडिस लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है और कैच ड्रॉप होता हुआ उसी बीच वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। दो रन आ गए इस गेंद के ऊपर, दो रनों की मदद से स्कोर 3 विकेट गंवाने के बाद विलास स्पोर्ट्स रानाल 36 धावा झालेले आहेत आणि 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत। शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे, कुणाल पाटील जोगेश्वरी जुनवालकर संघाकडून हा शेवटचे षटक हाताळतोय दूरवरच्या टोकाकडून। कुमार इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज, उसी बीच वहां पर देखना है अच्छा स्ट्रोक, पंच जरूर किया है लेकिन वहां पर समीर रन मौजूद है। पारी समाप्त होती हुई नितिन की, चौथा विकेट गिरता हुआ विलास स्पोर्ट्स रानाल का। फटका तर चांगला होता मात्र जे क्षेत्र निवडलं होतं ते चुकीचं होतं, कारण तिथे उभा असलेला क्षेत्रक्षक आपण पाहतोय समीरन याने अप्रतिम झेल पकडलेला आहे आणि फलंदाज नितिन पाटीलची खेळी संपुष्टात आलेली आहे। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर इस ओवर में देखने को मिल रही है कुमार द्वारा। कुमार ने अपने कहीं ना कहीं कुमार विकेटों का कुमार बन रहे हैं लेकिन समीरन ने रन रोक लिए है। क्या बात है, अगदी बरोबर। आणि नवीन फलंदाजचा चिराग मालेचा बंधू गितेश माले येतोय। धाव संख्या स्थिर आहे, धावपलकर आपण पाहतोय 36 लॉस ऑफ 4 विकेट लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। शेवटचे षटक मार्ग असते, उसी बीच एक बार फिर से वहां पर इस बार ऑन द लेग्स बोल्ड कर दिया है। कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है लास्ट ओवर में स्लॉग ओवर में कुमार द्वारा। अब तक 3 विकेट हासिल किए कुमार ने। अप्रतिम गोलंदाज आपण पाहतोय, कुमार प्रतिस्पर्धी संघाला नक्कीच मारून देत नाही आणि प्रतिस्पर्धी संघाचे फलंदाज कुमार याच्या समोर हार पत्करताना तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। लास्ट ओवर में सिर्फ अब तक 2 रन खर्च किए और 3 विकेट हासिल की है। अगले बल्लेबाज अब आते हुए आकाश पाटिल। पुढील सामना पण एक मोठा सामना पाहणार आहोत, एक बाजूला जांतराचा खारबाव तर दुसरा बाजूला हॉकी स्पोर्ट्स मापुले। आकाश पाटिल अगले बल्लेबाज लेकिन गेंदबाज अब हैट्रिक पर आ गए है कुमार। आणि हे हैट्रिक जर होतंय तर 5वी हैट्रिक आपल्याला पाहायला मिळेल। जी बिल्कुल, बाली ट्रॉफी 2021 की ये 5वी हैट्रिक रहेंगी अगर लेते हैं तो कुमार, और तीसरी रहेंगी ग्रामीण की। उसी बीच वहां पर देखना है बड़े हिट की तरफ गए थे बल्लेबाज, घूमकर खेलने की कोशिश की इस गेंद को की थी वहां पर लेग बाय के रूप में एक रन आता हुआ। इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 37 पर। गितेश माली सामना करेंगे लास्ट गेंद का, अब तक सिर्फ 3 रन आए हैं इस ओवर में। इस बार देखना है गितेश ने लॉफ्ट कर दिया है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और पारी समाप्त यहां पर गितेश के भी। क्या कमाल का ओवर रहा है लास्ट ओवर कुमार का, 4 विकेट हासिल की। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हार कर विलास स्पोर्ट्स रानल ने रन बनाए है 37, 37 और 38 का टारगेट रहेगा जोगेश्वरी जून आंदुरगी के सामने। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते जहां पर खेलने वाली टीम है वकी स्पोर्ट्स मापोली और जानता राजा खारबा, दोनों कैप्टन इस वक्त वहां पर मौजूद है उमेश तरे और रवि शेख। और टॉस को अंजाम देने के लिए सुभाष धुमाल सर। धन्यवाद मजर खान। तर आजच्या दिवसामधील दूसरा सामना ग्रामीण पूलमधीलच पाहायला मिळेल, जांतराचा खारबा विरुद्ध वकी स्पोर्ट्स मापोली। वकी स्पोर्ट्स मापोली संघाचा संघनायक रवीश बोंड आपलं हार्दिक स्वागत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला उमेश तरे जांतराचा खारबाव संघाचा संघनायक आपले हार्दिक स्वागत आहे।
आजच्या दिवसामधील हा दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळेला. वकी स्पोर्ट्स मापोली विपक्ष जंत्राचा खारबाव या दोन संघामध्ये सध्या आपण पहिला सामना पाहतोय. विलासपूर सरानाल आणि जोगेश्वरी जुनालखी या दोन संघामधील नक्कीच जोगेश्वर जुनोलखी संघाला दोन धावांची पेनल्टी दिली जाते, कारण त्यांचा जो 13वा खेळाडू आहे त्याने स्नॅक घातला नव्हता आणि त्यामुळं या संघाला दोन धावांची पेनल्टी दिली जातील. आणि या पुढील संघाने सूचित केलं जात आहे की या गोष्टीची आपण नोंद घ्यायची आहे. तर वळू आपण नाणेफेकीकडे. नाणेफेक केली जाईल मापोली विपक्ष खारबाव या दोन संघामध्ये. अल्पेश कारभारी आपणास विनंती असेल की आपण आमच्या टॉस बॉक्समध्ये यायचं आणि आपल्या सुभाष ते नाणेफेक केली जाणार आहे. तर नाणेफेक जिंकलेले ती मापोली संघाचा संघ नाही गाणे आणि हे नाणं त्यांना द्यायचं आहे. त्यानंतर रोलेक्स मेडिकर फात दलवे यांना मनसब मुल्ला पॉन्सर ही आकर्षक बॅग ही दिली जाते टॉस विन कर्णधाराला. तर नाणेफेक रवीश आपण जिंकलेले सर्वोत्तम बाली ट्रॉफी 2021 आयोजन केलेलं आहे. कोरोनाचं संकट आणि या संकटामध्ये नक्कीच जे सरकारचे नियम आहेत त्या नियमांचं पालन करून या स्पर्धेचं आयोजन जे केलं गेलेलं आहे. काय वाटतं या आयोजनाशी? आयोजन तर खूप छान आहे सर. बाली ट्रॉफी बोलला म्हणजे प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न असतं खेळायला, पण आता काल कोरोनाचा काळ असा आहे त्याच्यामुळे महाराष्ट्र गाईडलाईननुसार सर्व रूल फॉलो करायला लागतात. तरीसुद्धा खेळाचा जो आनंद आहे तो आनंद येतोय, पण ऑडियन्स नसल्यामुळे कारणाने थोडासा तो एक वेगळा आहे. पण क्रिकेट चालू आहे ते एक महत्त्वाचा विषय. अगदी बरोबर, क्रिकेट चालू आहे हेच मुख्य आहे. नाणेफेक आपण जिंकलेले, 4 षटकांचा सामना असणार आहे, काय निर्णय असेल? प्रथम क्षेत्ररक्षक स्वीकारू आम्ही. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले जंत्राचा खारबाव संघ हा एक चांगला संघ आहे. तर या संघाला निर्धारित 4 षटकामध्ये किती थांबत रोखण्याचा आपण प्रयत्न कराल आणि गोलंदाजीमध्ये असे कोणते ट्रम्पकार्ड गोलंदाज असतील असे पण नक्कीच त्याच्यासमेत आणखीन असे कोणते गोलंदाज असेल ज्यांच्याकडून खास अपेक्षा असेल? कमीत कमी धावाबद्दल रोखण्याचा प्रयत्न करू. बॉलिंग लाईन तर आमची खूप चांगली आहे, चारही बॉलर आमचे चांगले आहेत आणि त्यांना सांगू का बॉल फक्त व्यवस्थित बॉल पिचवर ठेवा, बस मॅचमध्ये ॲटोमॅटिक बॉल थांबल. मापोली विपक्ष खारबाव एक चांगली लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. हो नक्कीच नक्कीच. आपल्या संघात हार्दिक शुभेच्छा. उमेश नाणेफेक आपण हरलेले आहेत. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम आपल्याला फलंदाजी करायची आहे. नाणेफेक जर आपण जिंकले असते तर काय निर्णय असतं? फलंदाजीच करणार होतो. फलंदाजीच करणार होता आणि आपल्याला फलंदाजी मिळालेली आहे. पहिल्या सामन्याचा विचार केला तर नक्कीच सागर कारभारी खूप भारी खेळला होता, लई भारी इनिंग त्याची पाहायला मिळाली. तर सागर कारभारीसहित असे कोणते फलंदाज आहेत ज्यांच्याकडून खास अपेक्षा असेल? सर्वांकडून अपेक्षा आहे मला. तर पुन्हा तुलाही तेच प्रश्न असणार आहे. खारभाव विपक्ष मापोली एक चांगली लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. हो नक्की. आपल्या संघ हार्दिक शुभेच्छा. तर मित्र नाणेफेक झालेलं आहे, नाणेफेक जिंकलेली आहे ती रवीश बॉन्ड मापोली संघाचा संघ नाही का प्रथम गोलंदाजी स्वीकारलेली आहे आणि फुलांसाठी इन्व्हाइट केले जंत्राचा खारबाव संघाला. बॅक टू कॉमेंट बॉक्स. खूप खूप धन्यवाद सुभाष धुमाल सर. तो 2 रनों का जो पेनल्टी लगा था जोगेश्वरी जू नांदुर्गी को, तो 38 रन से अब ये टारगेट 40 रन का हो चुका है. भावेश की ये गेंद देखना है, वहां पर लॉफ्ट कर दिया है वाडिश लगान के ऊपर से, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए. कमाल का स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त
सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 8 पर। कमाल का स्ट्रोक वहां पर प्रफुल पाटिल के बल्ले से आता हुआ। ये देखिए किस तरह से हाफ वॉली पर इस गेंद को लेकर खेला था वैडिश लॉन्गन के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक येस। आणि आपल्या माहितीसाठी नक्कीच आपल्याला ठाऊक आहे सहीलच मापुली धमाकामध्ये प्रफुल्ल पाटील याच्या अर्धशतकाचा धमाका आपण पाहिला होता। ही घटना 2 वर्षापूर्वी घडली होती त्या चषकामध्ये नक्कीच प्रफुल्ल पाटील याच्या बॅटमधून अर्धशतक आपल्याला पाहायला मिळालं होतं। एक बार फिर से देखना है बड़े हिट की तरफ गए वहां पर प्रफुल्ल। दूर से खिलाड़ी आते हुए लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है प्रफुल्ल द्वारा। प्रफुल्ल फलंदाजी मध्ये ठरतोय सक्सेसफुल। दोन मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळतात आणि प्रफुल्ल या दोन मोठे फटक्याने पोहोचतो आपल्या वैयक्तिक 10 धावसंख्येवर। 10 कदम दोन चेंडूंवर दाखवलेलं आहे आणि संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावर झालेली आहे ती 12 धावा। तो अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पर जोगेश्वरी जून आंद्रिगु को। एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ 40 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई और पहले 4 गेंदों पर 12 रन जोड़ लिए यहाँ पर प्रफुल्ल ने। अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है जहाँ पर टॉस को जीता वकी स्पोर्ट्स मापोली ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया जबकि बल्लेबाजी करेंगी जानता राजा खारबाव। एक और बड़ा मुकाबला हम देखेंगे ग्रामीण पुल का ये मुकाबला रहेगा, उसके बाद सिटी का मुकाबला रहेगा। हेलो हेलो जानता राजा खारबाव संघ संघाने का अपन चिडूची निवड करण्यासाठी यायचं आहे बॉल चॉईससाठी यायचं आहे। संघ नाही का उमेश तरे आपण संपर्क साधायचा आहे। आज के दिन का तीसरा मुकाबला हम सिटी का मुकाबला देखेंगे। स्टार 11 राया और राइस बिल्डर के बीच में रहेगा तीसरा मुकाबला। सिटी पुल का मुकाबला रहेगा दूसरा मुकाबला जानता राजा खारबाव और वकी स्पोर्ट्स मापुली के बीच में। भावेश चौधरी एक बार फिर से सामना करते हुए प्रफुल्ल। उसी बीच वहां पर देखना सीधे बल्ले से इस बार खेला है। अक्षय वहां पर मौजूद है थोड़ा सा फंबल जरूर करते हुए और उसी बीच 2 रन पूरे कर लिए। जैसे ही देखा कि अक्षय के हाथों से गेंद छटक गई अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया 2 रनों की मदद से स्कोर 14 पर पहुंचता हुआ। धाव संख्या 14 जो लक्ष्य है 40 धावांचं। बॅकफुट जाऊन चेंडूला कव्हर रिजन मध्ये टोलवण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडूने बॅट मध्ये संपर्क होऊ शकला नाही। तो अच्छी गेंद रही थी इस बार भावेश की। ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 14 जहां पर प्रफुल्ल इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ जोगेश्वरी जून आंद्रुगी को। अगदी बरोबर गुड स्टार्ट फ्लाइंग स्टार्ट एंड ड्रीम स्टार्ट असं म्हटलं तर वागवा ठरणार नाही कारण चांगली फलंदाजी जुनल संघाकडून केली जाते। धावसंख्या आपण पाहतो धावपळीवर झालेली आहे ती 14 धावा। प्रफुल्ल बरोबर 14 धावसंख्येवर खेळतोय आणि त्याने 6 चेंडूंचा सामना केलेला आहे। आज कुठेतरी बिग बर्ड ऑफ राणाल चिराग मालीची कमी नक्कीच जाणवते विलास स्पोर्ट्स राणाल संघाला कारण चिराग मालिक की प्लेअर आहे। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं यहाँ पर विलास स्पोर्ट्स राणाल चिराग मालिक को काफ़ी मिस कर रही है। इंजर्ड है थोड़े से चिराग माली, हालांकि कल देर रात उन्होंने अपना मुकाबला खेला था सिटी क्रिकेट में और वहीं पर उनको थोड़ी इंजरी हुई है लेकिन यहाँ पर अब वापसी करनी होगी विलास स्पोर्ट्स राणाल को। गेंदबाजी के लिए बंटी को बुलाया गया है। पहली गेंद बंटी की वहां पर सफल होकर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। अच्छी गेंद वहां पर रही डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज बंटी। अगदी बरोबर बंटी कडे खूप मोठा अनुभव आहे आणि त्या अनुभवाचा फायदा उचलताना आपण पाहतोय चांगले चेंडूच्या हाताने
इस बार साफ तौर से खेल नहीं पाए थे, मिडल नहीं कर पाए थे गेंद को बल्लेबाज। एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर, एक रन की मदद से स्कोर 15 पर जा पहुंचा। अभी भी यहां से हम देखें धुमाल सर तो 16 गेंदें बची, रन चाहिए 25, 16-25 का इक्वेशन है यहां से। अगदी बरोबर, 16 चेंडू मध्ये अजूनही 25 धावांची आवश्यकता आहे। उसी बीच वहां पर देखने प्रफुल ने इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है और कमाल का कैच वहां पर, प्रफुल की पारी समाप्त होती हुई पहला विकेट गिरता हुआ जोगेश्वरी जूनांदुर्गी का। बिग ब्लो, मोटा हादरा बसतोय प्रफुल याच्या रूपाने। प्रफुल सक्सेसफुल ठरला होता एक षटकाराने चौकार ठोकण्यात, मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र यावेळी सीमाशे क्लिअर करू शकला नाही आणि प्रफुल्ल आपण पाहतो झेलपाच रूपाने बाद झालेले। तर पहिल्या विकेटचं पतन प्रफुल्ल याच्या केले संपुष्टात। तो 15 रन बनाकर वापस लौटते हुए प्रफुल्ल अच्छे स्ट्रोक खेल रहे थे, एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर, लेकिन पकड़े गए मिड विकेट की दिशा में। अच्छा क्या समाप्त किया था गीतेश ने। प्रफुल्ल की जगह लेने के लिए अब अगले बल्लेबाज अल्पेश पाटिल। एक विकेट गंवाने के बाद 15 रन, अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही इस ओवर में बंटी द्वारा। अब तक 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया और 1 विकेट हासिल किया उन्होंने, जबकि पहले ओवर में भावेश ने 14 रन खर्च किए थे। अल्पेश इस बार सामना करेंगे। उसी बीच वहां पर इस गेंद को मोड़ दिया है, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त अल्पेश के बल्ले से। तुषार याच्या बैट मधून हा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि जे प्लेन्स पॅवेलियन आहे अगदी ते प्लेन्स पॅवेलियन मध्ये हा चेंडू जाऊन पडलेला आहे। आपण पाहू शकता कशा प्रकारे फटका खेळला होता लॉन्ग लेग रिजन मध्ये। बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर लगाया था तुषार ने। एक बार फिर से देखना, इस बार पुल किया है और सक्सेसफुल, गेंद बाउंड्री के बाहर गोल 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त, देख घुमा के अप्रतिम फटकेबाज। अपन पाहतो तुषार याच्या माध्यमातून दोन बॅक टू बॅक षटकार आणि या दोन्ही षटकाराने धावसंख्या लेतोय खूप मोठा आकार। धावसंख्या वेगाने वाढून दिलेली ते धावपळीवर 27-27 आपण पाहू शकता कशा प्रकारे पुन्हा एकदा फटका केलेला होता त्याच दिशेने तुषार या फलंदाजाने। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर इस वक्त करते हुए तुषार भोईर, बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाए और कमाल का कैच भी उन्होंने पकड़ा था। तर खूपच महागडा ठरतोय बंटी याच्या विरुद्ध खत्रीची घंटी वाजव। बोल्ड हो आउट हो गए वहां पे बैट्समैन। आइए देखते हैं किस तरह से, यस बेस को ट्रिप करती हुई गेंद निकल गई। शादाब कोतकर सुबह सुबह मापोली टीम का उत्साह बढ़ाने हमारे बीच पहुंच चुके हैं, आपका स्वागत है। आप मुकाबला देख रहे हैं इस वक्त विलास स्पोर्ट रानाल बनाम जून नांदुर्की के बीच में। लक्ष्य जो था 40 रनों का था और कुल मिलाकर अब तक रन बने 27। कमाल का रिप्लाई दिया जा रहा है। ग्यारह गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। सुबह के सत्र का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। इस मरतबा बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद बैट्समैन के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास, बहुत खूबसूरत गेंद। अगले टॉस को किसने जीता जो वकी स्पोर्ट मापोली बनाम जानता राजा खारबाओं। व्हाइट का इशारा अंपायर शानू कुरेशी का। एक रन स्कोर में और आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ
28 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। टॉस को जीता है वकी स्पोर्ट मापोली ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। उसके बाद सिटी क्रिकेट का मुकाबला है, तमाम टीमें एक घंटा पहले रिपोर्ट करें। इस मरतबा स्विंग एंड मिस, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं नितिन, मसल्स गेंदबाज हैं नितिन, और काफ़ी 13वां जो खिलाड़ी है अगर वो जैकेट में नहीं रहा तो आपको पेनालाइज किया जाएगा, जो हमने कट जैकेट दिए हैं। मैच रेफरी का कहना है, राइट आर्म ओवर द विकेट नितिन। इस मरतबा छोटी गेंद पुल किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। रन और चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, विलास स्पोर्ट रानाल एक बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती थी और पहले मैच में इस टीम ने कुक्से को भी शिकस्त दी। इसका मतलब है कि इस मरतबा फ्लिक कर दिया है गेंद मैदान के बाहर, मैच फिनिश। कॉन्ग्रेचुलेशन जोगेश्वरी स्पोर्ट जून नांदूर की एंड हार्ड लक विलास स्पोर्ट्स रानाल। आइए दोस्तों हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ बढ़ रहे हैं। कमाल का परफॉर्मेंस रहा, खेल की शुरुआत करना अंपायर्स। वकी स्पोर्ट मापोली इरफान भूरे फैम टीम, आपको अपना फील्ड सजाना है।